बागमती नदी उफान पर, शुभंकरपुर रत्नोपट्टी बाजितपुर के लोगों में अभी से ही बाढ़ की चिंता सताने लगी है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इन्हें बाढ़ का दंश झेलना पड़ेगा। बागमती नदी पूरी तरह उफान पर है, नाले के रास्ते से वार्ड में पानी घुसना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बागमती नदी में ये उफनती हुई पानी है। शुभंकरपुर रत्नोपट्टी एवं बाजितपुर में हर साल बाढ़ से लाखों की क्षति होती है, जान माल एवं लोग होते हैं परेशान। कई लोगों से हमारी बात हुई तो वो लोग अभी ये मांग करने लगे हैं कि जिस प्रकार शहर को बचाने के लिए सुरक्षा बांध बना हुआ है, उस प्रकार हम लोग भी अब यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रशासन मंत्री से मांग करते हैं कि हम लोगों को सुरक्षा के लिए यहाँ तटबंध बनाया जाए। लोगों ने क्या कहा, आप स्वयं सुने दरभंगा दर्शन से मनोज झा। जैसे शहरी में बांध बनाया है वैसे हम लोग के भी क्षेत्र में बांध बना दे, उससे भी थोड़ा सा पानी हम लोग के राहत कनी बचेंगे। सुनते हैं विधायक नहीं सुनते हैं, जब बोर्ड आता है समय तो कहता ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जब बोर्ड ले हो जाता है जीत जाता है अपने घर में जाके सो जाता है, एक बार भी नहीं दोबारा आता है इधर क्षेत्र को देखने के लिए। अगला बार बोर्ड था, अगला बार इलेक्शन था तो कहा कि वहाँ घाट बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। जिसका पैसा रुका है उसको पैसा बार राहत वाला मिल जाएगा, कुछ नहीं आया। उसके बाद विधायक के घर पर भी गया, कहता हम क्या करें वहाँ नहीं पास हुआ है, नगर निगम नहीं हुआ है। हम लोग जाते जाए दरवाजे धकधका से जाए, मैंने सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। हाँ बस कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब जिसके पास साधन है वो पैसा दे दे के वह काम करवाता है, जिसके पास नहीं है उसको नहीं पैसा जाता है। अब कहते विधायक के पास जाइए, विधायक के पास जाए, उसके पास भी जाए, कहता हम क्या करें, कागज आपका जमा है ये है वो है, कहाँ दौड़े। मैंने समस्या का समाधान नहीं होता, नहीं होता, आश्वासन ही मिलता है। हाँ, नाम बताइए। कंचन देवी। ये शुभंकरपुर मोहल्ला का वार्ड नंबर 9 है, नदी से बागमती नदी से सटा हुआ यह क्षेत्र है। पानी इसी नाले के रास्ते से इस वार्ड में हर एक साल प्रवेश करता है। कल हम लोग अपने स्तर से पार्षद जी के प्रयास से फोन किए थे तो कल शाम में कुछ बोरा यहाँ पर गिराया गया जिससे कि नाले के माध्यम से पानी सड़क पे आगे नहीं जाए, लेकिन यह कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाया और नाले के माध्यम से आप देखे होंगे कि पानी अंदर तक जा चुका है, सड़क पे करीब करीब पानी आ चुका है। हम लोग दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में आते हैं और दरभंगा नगर निगम क्षेत्र का यह सबसे निचला इलाका है। शुभंकरपुर वार्ड नंबर 8, 9 और बाजितपुर वार्ड नंबर 23 हर एक वर्ष बाढ़ में सबसे पहले बाढ़ ग्रस्त होता है। पिछले बार के बाढ़ में भी हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था, हर एक साल होता है। अभी का इस साल का स्थिति यह है कि शुभंकरपुर का आम का बगीचा बहुत फेमस है, लंबे दूरी में आम का बगीचा है, करोड़ों का आम अभी भी गाछी में लगा हुआ है जिसको तोड़ने से लेकर ढोने में जहाँ 100 रुपये का खर्चा होना चाहिए था वहाँ 2000 रुपये खर्च हो रहे हैं। फिर भी हमको लगता है लाखों करोड़ों का आम बगीचा में ही रह जाएगा जिस रफ्तार से पानी आ रहा है। शहरी तटबंध इस साइड से भी शहरी तटबंध की लंबे समय से हमारे ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार बाजार के लोगों को जान माल की रक्षा के लिए तटबंध का निर्माण कराया गया है, उसी प्रकार इस पार के लोगों के लिए भी जान माल की रक्षा के लिए सब बार बाढ़ आता है, सबसे पहले बाढ़ आता है, सबसे विभीषकारी बाढ़ आता है हमारे गाँव में, तो यहाँ भी तटबंध का निर्माण होना चाहिए ताकि यहाँ लाखों लोग जो हर एक साल प्रभावित होते हैं, जब तक एक साल होते होते लोग संभलना शुरू करते हैं फिर से बाढ़ दस्तक दे के उनको फिर से वहीं पहुँचा देती है, तो तटबंध के निर्माण होने से यह हम लोगों को जान माल का रक्षा भी हो पाएगा। अच्छा, अब क्या मेरी मांग है नगर निगम से कि शुभंकरपुर के तरफ दोयम दर्जे के दृष्टि से न देखे, यहाँ रहने वाले लोग भी टैक्स देते हैं, शहर के लोगों की तरह ही हम लोग भी टैक्स देते हैं, हम लोगों की भी उसी प्रकार की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए जो नगर निगम नहीं कर पाते। तो क्या सारा काम नगर निगम का ही है? हम लोग नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं तो सारा काम की जिम्मेदारी यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, उनका भी दायित्व बनता है
कि वो हर हर सम, हर वक्त जब चुनाव आता है तो वोट मांगने के लिए आते हैं, तो जनप्रतिनिधि का भी दायित्व बनता है कि वो इस समस्या पर अपनी पैनी नजर रखे। इस संबंध में आपका क्या कहना है? हमारे जनप्रतिनिधि अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, तभी बाढ़ राहत का सभी से सूची का डिमांड भी हुआ है। पिछले वर्ष भी 3 नाव उन्होंने अपने अच्छी कोच से भी दिया था। कौन दिया था? हमारे नगर विधायक जी ने भी अपने अच्छी कोच से नाव दिया था और लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी रहते हैं, दुख सुख में आके देखते भी हैं। माननीय सांसद जी का भी नजर हर एक कष्ट पे रहता है, विधायक जी का नजर रहता है। लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि प्रत्येक साल इस समय में बरसात में बाढ़ आता ही है, शायद कोई कोई साल छोड़ दिया जाए तो ये नगर का जो मेयर है, जो भी हो, चाहे विधायक हो और जो भी मंत्रीगण है दरभंगा के, उनका ये दायित्व बनता है कि काम को पहले सुरक्षित कर दिया जाए जिससे लोग प्रभावित ना हो सके। लेकिन यहाँ क्या है कि कुछ लोग हैं तो दूसरे जैसे नगर निगम का पिछले साल देखें कि नगर विधायक की तरफ से लेट देर ही सही पानी था ही तो 3 नाव आया, लेकिन नगर का जो नगर निगम है उसके द्वारा कुछ नहीं किया गया। ये बोरा रखने से कोई काम नहीं होगा। बोरा पानी एक ऐसा चीज है, आप इधर रोकेंगे उधर से निकलेगा, उधर रोकेंगे उधर से निकलेगा, वो अपना जगह बना लेते हैं। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही है कि पूरा तटबंध, जैसे हम लोग शहर वाले देते हैं टैक्स, हम लोग भी देते हैं, तो हम लोग को भी वैसा व्यवस्था मिलना चाहिए ना कि